हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ वो मोपअप राउंड की वैकेंसी की अपडेट लेके आया हूँ। तो जिन बच्चों का अभी तक मोपअप राउंड में MBBS का लोकेशन नहीं हुआ है, उन दोस्तों के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें मैं 3 स्टेट्स की अपडेट आपके पास लेके आया हूँ, तो आप अपने स्टेट की इसमें पक्का अपडेट देखिए। दोस्तों, मोपअप राउंड में कितनी सीट वैकेंट है और क्या क्या सीट मैट्रिक्स और क्या क्या शेड्यूल आए हैं, वो सब दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी प्राउंड में काफी स्टेट्स में काफी कम मार्क्स में भी बच्चों को MBBS के एलोकेशंस मिल रहे हैं। उसके साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्री मैराथन क्लासेज MST CET 2021 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी इंजीनियरिंग एग्जाम की या MST CET एग्जाम की, तो दोस्तों MST CET 2021 का फ्री मैराथन क्लासेज अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसका कोई फीस नहीं है और ये क्लासेज एवरी संडे होने वाली हैं। तो जो भी बच्चे MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी बहुत अच्छा ऑफर लेके आया, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज, कोई चार्ज नहीं दोस्तों, एवरी संडे ये क्लासेज फ्री होंगी। एंड फ्रेंड्स, जो मैराथन क्लासेज होंगी इसमें आप देखोगे कि आपको टॉप फैकल्टी से पढ़ने को मौका मिलेगा। आप पढ़ सकते हो दोस्तों MST CET 2021 के लिए हिंदी में फिजिक्स पढ़ सकते हो दोस्तों, इंग्लिश में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, वो भी आपको तेजवीर सर जैसी फैकल्टी, जो बेस्ट फैकल्टी है अकेडमी की केमिस्ट्री की। उसी प्रकार दोस्तों, आप हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, आप प्रियांक सर से पढ़ सकते हो, वो भी हिंदी में दोस्तों। उसके बाद अगर आपको बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़नी है तो आप स्वाति मैम जैसी बेस्ट फैकल्टी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो बायोलॉजी की दोस्तों, और इस हिसाब से दोस्तों आप MST CET को क्रैक कर सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ले सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन दोस्तों, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा फायदा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पैकेज लेने के बाद उसकी सारी डिटेल्स, उसके अंदर जितने भी जैसे जैसे दोस्तों कि आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे मैं आपको बताऊँगा आप इसके बेनिफिट मैं आपको गिनाने जाता हूँ कि आपका दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस होता, ज़्यादा इसका पैसा लगता नहीं है। उसके बाद दोस्तों पूरे बैचेज वाली प्रिपरेशन होती है, आपकी टेस्ट सीरीज इसमें आती है, फुल लेंथ एनालिसिस इसमें होता है, हर एग्ज़ाम का डिटेल एनालिसिस दोस्तों, उसका पूरा सॉल्यूशन कराया जाता है, आपको कोई क्वेश्चन है उसका डाउट है उसको भी सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अगर आप ये पैकेज लेते हो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन का, जिसको बोलते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज आप लोगों के लिए। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि डिफरेंट डिफरेंट पैकेज लेने से अच्छा है एक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, जिससे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसके जो प्राइसेज है वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो अगर आप MST CET 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका प्राइस 12 मंथ का रहेगा 14,850 और 6 मंथ का रहेगा 12,150। लेकिन आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा अमेजिंग 10% का डिस्काउंट। एंड गाइज, ये नो कॉस्ट EMI पे भी अवेलेबल है। अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते तो आप नो कॉस्ट EMI पे भी इसकी पेमेंट, मतलब हर 6 महीने की किस्त बना के उसमें धीरे धीरे करके पार्शियल पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अभी जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करना RC2020। उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे उस पर आपको अमेजिंग 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप जितनी भी फ्री क्लासेज, जैसे कि अभी फ्री मैराथन क्लासेज चल रही है, इनको फ्री में अनलॉक कर पाओगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा रेफरल कोड RC2020 को पक्का यूज करें। उसके साथ भी दोस्तों, जितना भी लिंक है इसका कि जो मैराथन क्लासेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर संडे हो रही है, संडे का दिन होता आपके लिए फ्री, आप मैराथन क्लासेज अटेंड करना और रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको पक्का यूज करना। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक एक करके सभी स्टेट्स की डिटेल डिस्कस करूंगा, तो सबसे पहले जो डिटेल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों आपके साथ, राजस्थान स्टेट की डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन राजस्थान ने किया, तो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन, और ये किस लिए है दोस्तों, जो ऑफलाइन मोपअप राउंड काउंसलिंग हो रही है राजस्थान में उसके लिए रिवाइज नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म मोपअप राउंड का होगा, स्टार्ट डेट जो उसकी होगी वो होगी 26 से 28 तारीख तक। तो जो रिवाइज शेड्यूल आया मोपअप राउंड का, उसका शेड्यूल राजस्थान ने जारी किया है कि आप 26 से 28 तारीख तक दोस्तों आप इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट डेट है जो डिपॉजिट फीस करने की, वो 28 तारीख है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट में 28 दिसंबर है। तो दोस्तों उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा इसका, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट राजस्थान में, वो आएगा 1 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल वैकेंसी सीट मैट्रिक्स राजस्थान में आएगा 1 जनवरी 2021 को। तो बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, जिन बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा वैकेंसी सीट मैट्रिक्स देख पाएंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख पाएंगे।
और दोस्तों आपको मोपअप राउंड के लिए जो जाना कहा है उसमें पूरा वेन्यू यहाँ पे बता रखा है कि सीट एलोकेशन बिफोर बोर्ड एट द वेन्यू एट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में इसका सीट एलोकेशन होगा 2 से 3 तारीख, मतलब 2 दिन तक ये होगा, और आपको 3 से 7 तारीख तक ज्वाइन करना है। उसके बाद दोस्तों जो बची हुई सीट होगी उस पर दूसरा राउंड होगा जिसको बोलेंगे स्ट्रे वैकेंसीज राउंड। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन राजस्थान स्टेट के लिए जारी किया है, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं कुछ ही देर में इसको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। अगला नोटिफिकेशन दोस्तों महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। तो जो जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि उन्होंने रिवाइज शेड्यूल जारी किया एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा 50% सीट फॉर MBBS BDS। तो जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है उसके लिए महाराष्ट्र के लिए उन्होंने रिवाइज शेड्यूल जारी किया है, एंड दिस इज़ द रिवाइज शेड्यूल कि आप 24 तारीख से 31 तारीख तक दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसमें 5,000 रुपीज़ है। उसके साथ साथ दोस्तों उसके साथ साथ बताया कि जो कैंडिडेट ने 5,000 रुपये पे करते हैं वो एलिजिबल होंगे इंस्टीट्यूशनल और NRI कोटा का जो था उसमें एडमिशन लेने को। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला है कि सेपरेट नोटिस फॉर मोपअप राउंड 2 एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल विल बी पब्लिश्ड ऑन ड्यू कोर्स। और जो मोपअप राउंड 2 होगा महाराष्ट्र स्टेट में उसका सेपरेट नोटिस कुछ ही दिनों में दे दिया जाएगा। तो जैसे ही नोटिस आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज पर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये अपडेट थी महाराष्ट्र स्टेट के लिए। अगली अपडेट दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है नीट यूजी की। जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट से हैं उनके लिए दोस्तों ये अपडेट है, जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट के हैं उनके बोल लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि उत्तराखंड स्टेट ने दोस्तों अपना का जो मॉपअप राउंड का चरण है उसमें पूरा डिटेल दिया है, एडवांस ट्यूशन फीस और एडमिशन जो प्रोसीजर होगी उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट से हैं उनका कंप्लीट फीस का और बॉन्ड कितना अमाउंट है वो कंप्लीट इस नोटिस में दिखाया गया है। तो आप अगर उत्तराखंड स्टेट से हो तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर हो गया, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट हो गया, पेमेंट हो गया, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों, आपका नीट यूजी का एडमिट कार्ड हो गया, आपका रिजल्ट और रैंक लेटर हो गया। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट से हैं उनके लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया है। और उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट के लिए दिया गया है। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट से हैं वो इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज पे शेयर करने वाला हूँ। अगला नोटिस दोस्तों हरियाणा स्टेट के लिए है, तो जो भी बच्चे हरियाणा स्टेट से हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा ने दोस्तों अपने मोपअप राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों हरियाणा में मोपअप राउंड 25 तारीख से 27 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। फिजिकल काउंसलिंग दोस्तों आपकी 29 तारीख को होगी। फीस डिपॉजिट आपका 29 को होगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर MBBS कोर्सेज फिलिंग बोर्ड स्ट्रे वैकेंसीज 29 को होगा। तो मोपअप राउंड आपका चलेगा 25 से 29 तारीख तक और 29 से 30 तारीख तक दोस्तों आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो ये है हरियाणा स्टेट की अपडेट। तो जो भी बच्चे हरियाणा स्टेट से हैं उस कंप्लीट नोटिस को पढ़ सकते हैं, इस कंप्लीट नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज पर शेयर करने वाला हूँ, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हरियाणा ने बेसिकली अपना दोनों बता दिया है, चाहे उनका वो मोपअप राउंड का शेड्यूल हो जो 25 से 27 तारीख के बीच में है और 29 से 30 तारीख के बीच में उनका स्ट्रे वैकेंसीज राउंड होने वाला है। उसके साथ साथ हरियाणा ने यह भी बताया कि आपकी कितनी सिक्योरिटी फीस होगी, और जो बच्चों ने अगर कोई बच्चा है जो इसका सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो गया लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा जाके एडमिशन लेता है तो उसका उसकी जो मोपअप राउंड 2 में अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो उसकी सेकेंड राउंड की जो सिक्योरिटी फीस है वो रिफंड नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट अभी तक के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के लिए, तब तक के लिए वल्दा बेस्ट फॉर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।